इतने कम पॉइंट क्यों दिए आपने, 3 points इसमें क्यों से दिए ये इस क्वेश्चन में? कैलकुलेट द स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, उतना ज्यादा नहीं था ना उसमें, माने ज्यादा अच्छा दिमाग, माने ज्यादा वेरी गुड तो नहीं था ये, लेकिन माने इतना डिफिकल्ट भी नहीं था, कोई अच्छे से आता तो आंसर दे देता उसको, इसलिए एक मिनट। ठीक है, डिफिकल्टी मीडियम है, एक्यूरेटनेस ठीक है, सब्जेक्ट बैलेंस ठीक है, डिफिकल्टी बैलेंस, देखो इतनी सारी चीजें ठीक है, एफर्ट लेवल में आपने सेल्फ रिटर्न डाला है, तो अब 5 तक तो जाओ यहां इस केस में, 5 तक 5 अगर ज्यादा डिफिकल्ट होता तो मैं 5 दे देता, लेकिन उतना भी नहीं था इसलिए। नहीं, फिर आप 10 किस में दोगे या फिर 8 किस में? 10 तो वो तो बहुत ज्यादा हार्ड होना होगा। नहीं नहीं, हार्ड नहीं, देखो ऐसा है, आप करेक्टनेस ठीक है तो 1 पॉइंट तो यही बन गया, समझ रहे हो? हाँ। डिफिकल्टी लेवल मीडियम है तो यहाँ पे आप डिफिकल्टी लेवल को मान लो 3 पॉइंट, आप डिफिकल्टी लेवल के 3 पॉइंट रिजर्व कर लो, ठीक है? हाँ। अगर लो है तो 1 दो, मीडियम है तो आप 2 करो, हार्ड है तो 3 करो, ठीक है? तो यहाँ हाँ। पे आप 2 दे सकते हो, ओके? ये हो गया 1 पॉइंट, ये हो गया आपका 2 पॉइंट्स। टैग करेक्टनेस ठीक है तो इसके लिए आप 1 पॉइंट रख सकते हो, सब्जेक्ट बैलेंस और डिफिकल्टी बैलेंस के लिए एक एक पॉइंट रख सकते हो, इस तरह से आप डिसाइड कर लो, है ना? तो अगर आप चलो इसकी मीडियम, अगर आप डिफिकल्टी लेवल पे ज्यादा फोकस कर रहे हो तो भी आप इसमें 5 तक आराम से जा सकते हो वालों, है ना? 3 थोड़ा लेस हो जाएगा, 3 पॉइंट थोड़े लेस है, ज्यादा हो गया ना, 4 दे तो अच्छा होता, 5 ज्यादा हो जा रहा है, 5 तो फिर मैं वही पूछ रहा हूँ ना, 7 कैसे दोगे? सिर्फ डिफिकल्टी पे डिसाइड करोगे क्या? बाकी चीजें भी डिसाइड करने के लिए जरूरी है ना, लाइक अभी देखो बच्चे ने अपना सब्जेक्ट बैलेंस भी मेंटेन किया है, डिफिकल्टी बैलेंस भी मेंटेन किया है, तो इसके लिए भी तो क्रेडिट देना पड़ेगा ना उसको। हाँ, देना तो पड़े। हाँ, तो फिर तो आप इसमें 5 तक जा सकते हो, सिर्फ आप सिर्फ इस पे डिसाइड कर रहे हो, सिर्फ इस पे डिसाइड नहीं करना है रिव्यू को, आपको सारे पॉइंट्स पे डिसाइड करना है। आपको टैग करेक्टनेस भी देखो उसने ठीक डाली है, किसका है? सौम्य जैन का क्वेश्चन, सौम्य ही बैठा हुआ है, है ना? टैग करेक्टनेस देखो परफेक्ट है इसकी, ठीक है, डिफिकल्टी लेवल भी ठीक मेंटेन कर रहा है, तो आप सिर्फ इसके बेसिस पे डिसाइड नहीं कर सकते कि डिफिकल्टी लेवल उसकी मीडियम है, तो आप 5 तो यहाँ पर आराम से आ सकते हो, पेपर पेन भी यूज किया है उसने, है ना? तो 3 पॉइंट अगर आपको इसमें देने हैं, तो अगर ये पेपर पेन पे नहीं है तो आप इसको 2 या 3 के बीच में फिनिश अप कर सकते हो, लेकिन जब आप देख रहे हो कि बाकी चीजें करेक्ट हैं, डिफिकल्टी बैलेंस भी करेक्ट है, सब्जेक्ट बैलेंस भी करेक्ट है, तो ये लेस है अलम्बे, है ना? ऐसे केस में आप 5 तक जाओ और डिफिकल्टी लेवल को आप 3 या 4 के बीच में पॉइंट्स रखो उसके। अगर आप चलो स्ट्रिक्ट रिव्यू करना चाह रहे हो तो आप 4 पॉइंट्स रख लो डिफिकल्टी लेवल के लिए, तो 4 इसके लिए हो गया, 1 इसके लिए हो गया, है ना? तो 5 हो गया, 1 इसके लिए हो गया, 6 हो गया, 1 इसके लिए हो गया, 7 हो गया, है ना, 1 इसके लिए हो गया, 8 हो गया, और इसके लिए आप 2 रख लो, सेल्फ रिटेन है कि कैसा है तो 2 रख लो, 10 हो गया, है ना? तो सेल्फ रिटेन भी हो रहा है अपना, 2 यहाँ हो गया, 1 यहाँ हो गया, 3 हो गया, ये हो गया, 4 हो गया, ये हो गया, 5 हो गया, है ना? यहाँ पे आप चलो 2 ही रखना चाहते हो तो 7 हो गया, है ना? तो 7 तो बनते हैं, मतलब अगर आप एक नॉर्मल वे में जाते हो, मगर आप स्ट्रिक्ट होना चाह रहे हो, मैं बोल रहा हूँ आपको, जैसे अगर आप स्ट्रिक्ट भी होना चाह रहे हो तो 5 और 6 तो नॉट बैड फॉर दिस क्वेश्चन, 5 तक तो जा सकते हो, क्योंकि हमें 10 में से डिसाइड करना है ना। समझ आ रहा है ना? हाँ सर, ठीक है, तो इसको फॉलो करो एंड बाकी ठीक है। तो मैं आपको रिव्यू में पॉइंट्स कम दूंगा आज, रिव्यू में आपने जो है इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, और ये गलती इसलिए कर रहे हो आप आलमगीर क्योंकि आप इंटरव्यूज में नहीं आ रहे हो, इंटरव्यूज में जरूर आओ, नेक्स्ट वीक से हम लोग ग्रुप रिव्यू शुरू करेंगे, उसमें भी जरूर अटेंड करो, ग्रुप रिव्यूज आपकी स्टडीज भी बेटर कराएंगे और आपकी ये जो मिस्टेक्स होती है रिव्यू में ये भी आपकी इम्प्रूव होंगी।